दोस्तों, हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी आने से पहले एक और महामारी चल रही थी, वो थी एनआरसी और सीएए की बीमारी। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से शाहीन बाग के अंदर हजारों महिलाएं कई महीने तक धरना प्रदर्शन करती रहीं, और वो धरना प्रदर्शन इसलिए कर रही थीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री इस कानून को वापस लें। लेकिन ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और ना ही हमारे देश के मंत्री अमित शाह शाहीन बाग की महिलाओं के पास गए, और ना ही उन्होंने इस कानून को अभी तक वापस लिया है। इसके बाद हमारे देश में कोरोना महामारी आ गई और वो शाहीन बाग का प्रदर्शन खत्म हो गया। महिलाएं ये कहकर अपने घर को वापस गई कि जब तक ये बीमारी चल रही है, जब तक ये लॉकडाउन है, हम इस प्रदर्शन को बंद कर देंगे, लेकिन हमारा प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। कुछ इस तरीके की बात कहकर जब लॉकडाउन हुआ था हमारे देश में, तो वो महिलाएं अपने अपने घरों को चली गई थी। लॉकडाउन से पहले लाख कोशिशें की गई थी कि शाहीन बाग की महिलाएं अपना धरना प्रदर्शन छोड़कर अपने घरों को चली जाएं, लेकिन महिलाएं अपने जिद पर अड़ी हुई थीं और उनका कहना था कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, हम सालों साल यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना ने उनको अपने घरों पर जाने को मजबूर कर दिया था। लेकिन दोस्तों, 2.5 महीने के बाद अब हमारे देश में लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया है। एक खबर आ रही है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद शाहीन बाग के अंदर महिलाएं फिर से धरना प्रदर्शन के लिए जा रही हैं। असल में पूरा मामला यह है कि दिल्ली की पुलिस के पास एक खबर पहुंची कि शाहीन बाग की जो पुरानी जगह थी, वहां पर कुछ महिलाएं धरना प्रदर्शन के लिए मौजूद हैं और वो धरना प्रदर्शन करने के लिए रोजाना इकट्ठी हो रही हैं। जैसे ही ये बात दिल्ली पुलिस के पास पहुंची, तो दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोस्तों, अमर उजाला की खबर के मुताबिक के मौके पर 8-10 महिलाएं मौजूद मिली, ये अमर उजाला ने अपनी खबर में छापा है। अब ये महिलाएं कौन थीं? क्या वाकई में ये महिलाएं सीएए और एनआरसी का प्रदर्शन करने वहां पर आई थीं? अमर उजाला ने छापा है कि सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि कुछ दिनों से यहाँ पर कुछ लोग आकर प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, यानी थोड़े थोड़े लोग शाहीन बाग की पुरानी जगह पर आकर बैठ रहे हैं। ऐसा कुछ अमर उजाला ने अपनी खबर में छापा है, और ये खबर आज ही की है। और इस खबर में ये भी लिखा हुआ है कि शाहीन बाग के अंदर 8-10 महिलाएं जो मिली थी, तो पुलिस वालों ने उनको समझा बुझा कर अपने घर पर भेज दिया। ऐसा कुछ अमर उजाला ने अपनी वेबसाइट पर एक खबर में छापा है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि वाकई में ये खबर सच्ची है? क्या वाकई में शाहीन बाग और जामिया की औरतें जो है वो वहां पर प्रदर्शन करने जा रही हैं? अगर कोई जामिया से मुझे देख रहा है, या शाहीन बाग से, या दिल्ली के आसपास से वहां से कोई देख रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अभी तक हमारे देश में कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया है, ना ही कोई ऐसी बात आई है कि सीएए होगा या एनआरसी होगा, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ इस बात को बिल्कुल ठंडा कर दिया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने अभी ना तो ये ऐलान किया है कि एनआरसी होगा, और ना ही ये ऐलान किया है कि हम इसको जो है खत्म कर रहे हैं, इस कानून को। तो हो सकता है कि शायद शाहीन बाग की महिलाएं वहां पर जाती हों, और हो सकता है कि शाहीन बाग की महिलाएं वहां पर ना जाती हों, कोई और लोग वहां पर जाकर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो। बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि वहां पर 100 पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है जामिया में, और शाहीन बाग के इलाके में जो है सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, आप लोग इस सब बातों को किस नजरिए से देखते हैं? क्या हमारे देश में एनआरसी सीएए होना चाहिए? क्या हमारे देश में शाहीन बाग का प्रदर्शन फिर से जारी होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर।